नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा कुछ जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 15 अप्रैल 2022 वार शुक्रवार के पंचांग को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने हमारा खुश जीवन राशिफल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे खुश जीवन राशिफल की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें और देखते रहें डेली पंचांग, डेली राशिफल, मंथली राशिफल, ईयरली राशिफल, अंक ज्योतिष के सभी वीडियोस, और साथ के साथ आपके ईष्ट देव संबंधित सभी जानकारियां। यानी आप अगर राशि अनुसार अपने ईष्ट देव अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को देखते रहें। आइए शुरुआत करते हैं अपने पंचांग की। वार शुक्रवार, विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, माह चैत्र माह, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि चतुर्दशी तिथि। नक्षत्र की बात करें उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:35 तक रहेगा, उसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू हो जाएगा। योग ध्रुव योग सुबह 7:56 तक रहेगा, उसके बाद व्याघ्यात योग शुरू हो जाएगा। करण की बात करें गर करण दोपहर 3:15 तक रहेगा, उसके बाद वणिज करण प्रारंभ हो जाएगा। वार तिथि नक्षत्र योग और करण, इन पांचों से मिलकर पंचांग का निर्माण होता है। आइए बात करते हैं सूर्य और चंद्र से संबंधित सभी गणनाओं। सूर्योदय प्रातः 5:59, सूर्यास्त शाम 6:42, सूर्यदेव मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव जो हैं मेष राशि में उच्च के माने जाते हैं। अगर सूर्यदेव आपके जन्म कुंडली के अंदर अच्छे घरों के स्वामी हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। चंद्रोदय शाम 5:24, चंद्रास्त अगले दिन सुबह 5:39। चंद्र राशि की हम बात करें तो चंद्रदेव कन्या राशि से संचरण कर रहे हैं। आइए बात करते हैं शुभ समय की। सबसे पहले हम बात करें ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4:23 से सुबह 5:11। अपने इष्ट देव की आराधना, उनका मंत्र जब हम ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। अभिजीत की बात करें तो सुबह 11:55 से दोपहर 12:46 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत हम अभिजीत मुहूर्त में शुरू कर सकते हैं। आइए बात करें दिन के चौबड़िए की। शुरुआत करते हैं सूर्योदय से। चरका चौबड़िया सुबह 5:59 से सुबह 7:35 सामान्य समय, चर के बाद लाभ 7:35 से 9:10 शुभ समय, लाभ के बाद अमृत 9:10 से 10:45 शुभ समय, अमृत के बाद काल 10:45 से 12:21 अशुभ चौबड़िया, काल के बाद शुभ 12:21 से 1:56 शुभ समय, शुभ के बाद रोग 1:56 से लेकर 3:31 अशुभ चौगड़िया है, रोग के बाद उद्वेग 3:31 से लेकर और शाम 5:07 तक अशुभ चौगड़िया है। उद्वेग के बाद हम बात करें चर, 5:07 से लेकर शाम 6:42 तक रहने वाला है। इन सभी चौगड़ियों में शुभ, लाभ और अमृत तीनों चौगड़िये अत्यंत शुभ है। रोग, काल और उद्वेग अशुभ चौगड़िये हैं। सही कार्य की शुरुआत अच्छे चौगड़ियों में हमें करनी चाहिए। आइए बात करते हैं शुभ समय राहु काल और गोलिक काल की। राहु काल जो है सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 तक रहेगा, गोलिक काल सुबह 7:30 से 9:00 तक रहने वाला है। दोनों ही समय ज्योतिष शास्त्र में अशुभ समय माने गए हैं। महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत इन दोनों समय में आपको नहीं करनी चाहिए। आइए बात करें दिशाशूल, यानी आज के दिन किस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। आज के दिन का दिशाशूल है पश्चिम दिशा। फिर भी जातक अगर पश्चिम दिशा में यात्रा कर रहा है तो यात्रा करने से पहले जौ से बने हुए पदार्थों का सेवन अवश्य करें ताकि यात्रा के अशुभ फल प्राप्त न हो। आइए बात करें चंद्रवर्ग, यानी आज के दिन कौन कौन सी राशियां शुभ हैं। मेष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि आज शुभ रहने वाली है। आइए बात करें आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनकी जन्म राशि, नामाक्षर और जन्म पाई। तो आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनकी कन्या राशि, नामाक्षर रहेंगे पी, पू, श और ल। जन्मपाय की बात करें तो इनका सभी का रजत का जन्मपाया रहने वाला है। धन्यवाद।